गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ कि आप सभी लेक्चर सुन रहे होंगे। और आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक प्रिज्म को। सो वी आर टेकिंग द न्यूमेरिकल्स। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम वन। सो एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म इज इमर्स्ड इन वाटर। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड फॉर ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट 40 डिग्री ऑफ वन फेस ऑफ प्रिज्म। तो क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको? सो एक प्रिज्म है आपके पास। तो प्रिज्म किस तरह का है? इक्विलैटरल प्रिज्म है। इक्विलैटरल प्रिज्म हमें दिया हुआ है। इट मींस ए इज इक्वल टू हाउ मच? 60 डिग्री। तो एक कितना दिया हुआ है हमें? 60 डिग्री दिया हुआ है। और यहां पर हमें ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना है? म्यूजी इज हाउ मच? 1.6 एंड दिस ग्लास प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट I इज इक्वल टू 40 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें डिवीजन निकालना है डेल्टा। हमें क्या निकालना है? डेल्टा हमें निकालना है। सो वी नो दैट। अब देखिए चक्कर क्या है। ए 60 डिग्री है हमारे पास। ए 60 डिग्री, म्यूजी इज 1.6। So in this question you can see the angle of prism is equal to 60 degree and refractive index of glass is given to you 1.6 and refractive index of water is 1.3 and angle of incidence means this angle pe light ray incident ho rahi hai wo kya hai 40 degree hai. तो एंगल कितना दिया है? दिस एंगल इज गिवन टू अस, दैट इज 40 डिग्री एंड दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R2 एंड दिस इज I2, ठीक है। तो हमारे पास एंगल A कितना है? 60 डिग्री है। हाउ मच? 60 डिग्री। एंगल A 60 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.6, वाटर का 1.3 है। I1 is 40 degree, ठीक। तो let us start on this face. इस face की बात करते हैं हम, A, B, C. So refraction at face AB. अब क्योंकि यहां पे एंगल जो A है वो क्या है? वो 10 डिग्री से बड़ा है और काफी बड़ा एंगल है। तो यहां पे हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते क्योंकि हमने बताया था आपको कि डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू ए इज यूज्ड व्हेन एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री। ये तो 60 डिग्री है तो यहां पे वो यूज नहीं होगा। तो मैंने कहा था कि आपको कि बड़े एंगल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या था? डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये यूज करते हैं। बताया था मैंने आपको। तो इट मीन्स ए मेरे पास है, I1 मेरे पास है, I2 नहीं है, मुझे I2 निकालना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। और डेल्टा, सो लेट अस स्टार्ट। साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू W म्यू जी, क्योंकि पानी के अंदर प्रिज्म रखा हुआ है। इट मीन्स लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। So W mu G
क्या बनेगा, इट इज म्यू जी बाय म्यू ए साइन आई वन मीन्स साइन ऑफ 40 डिग्री बाय साइन आर वन। तो ये कितना बनेगा 1.6 डिवाइड बाय 1.3 एंड इट इज साइन ऑफ 40 डिग्री डिवाइड बाय साइन आर वन। तो साइन 45 होता है आपका 0.707, तो इसको हम ले लेते हैं 0.6050 इक्वल टू, इसको भाग दे लेते हैं तो कितना बनेगा 13, इट विल बी हाउ मच 13 वन जा 13 30 आ गया, 13 टू जा 1.2 आ गया, ठीक है, तो 13 टू जा 26 4 आ गया 40 13 3 जा 90 ठीक है ये आ गया। तो मींस इट इज इक्वल टू दिस वन, सो साइन आर वन विल बी इक्वल टू 1.23 डिवाइड बाय 6050 ठीक, सो इट इज 1.23 तो साइन आर वन इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या होगा, इट इज 4-2 इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1.23 बाय 6050 ये होगा ठीक, सॉरी क्या होगा साइन आर वन विल बी इक्वल टू 0.6050 बाय 1.23 तो साइन आर वन विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी 20 ठीक है, इट मीन्स 12-5-60 इट मीन्स इट विल बी 0.52 समथिंग आ जाएगा। तो अब देखो साइन की वैल्यू हमें बताया कि 30 डिग्री पे कितनी होती है 1/2 इट मीन्स 0.5 होती है, तो आर वन कितना आ जाएगा, आर वन विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 32 डिग्री मान लेते हैं, कितना आ गया 32 डिग्री आ गया ठीक, सो आर वन विल बी 32 डिग्री ठीक है। तो आर वन अब मुझे पता है कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है, इट मीन्स जो आर टू आएगा वो क्या आएगा ए माइनस आर वन आएगा, तो आर टू इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 32 डिग्री इट मीन्स इट इज 28 डिग्री आर टू आ गया ठीक है। तो अब फेस ए सी पे रिफ्रैक्शन एट फेस ए सी क्या होगा, साइन ऑफ आई टू बाय साइन आर टू इज इक्वल टू वाई म्यू, म्यू कितना लिखा था मैंने ये रहा 1.23 लिख देते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं ठीक है, आई टू बाय आर टू so now we will solve it, so we will solve it because when you are taking reflection at face AC it means light is again going from water to glass, so this is sine I2 is equal to 1.23 sine 28 degree साइन 28 सो साइन 30 विल बी 0.5 सो इट मीन्स साइन 28 विल बी 0.45 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या जाएगा 123 इंटू 45 फाइव से 15 11 6 11 6 12 9 और 4 मीन्स 5 3 5 इट मीन्स 55 35 कितना आ गया 0.5535 आ गया, इट मीन्स 0.5535 इट मीन्स आई टू वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नो दैट
साइन 30 इज 0.5, इट इज 0.55, इट मींस इट शुड बी साइन 30, तो यहां पे कितना था 0.52, इट विल बी 33 डिग्री. तो I2 कितना आ गया, I2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 33 डिग्री आ गया. सो आई वुड दिस फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू I1, I1 इज 40, I2 इज 33 माइनस 60 डिग्री, कितना आ गया 73 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 13 डिग्री. सो एंगल ऑफ डेविएशन इज हाउ मच, 13 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. सो क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है जो कि ग्लास प्रिज्म है, उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं, ग्लास का थिकनेस दिया हुआ है और वाटर का भी दिया हुआ है. सो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन इफ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 40 डिग्री. सो एंगल आई वन मेरे पास है, क्योंकि एंगल ए जो है वो काफ़ी बड़ा एंगल है, क्योंकि 10 डिग्री से बड़ा है. तो जब भी हमारे पास एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल 10 डिग्री से बड़ा हो, वी डोंट यूज द फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू, वी विल जस्ट लाइक दिस. तो पहली रे 40 डिग्री, इट मींस लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, इट मींस रिफ्लेक्शन एट फेस ए बी. सो स्लो लगाया, साइन आई वन बाई साइन आर वन विल बी इक्वल टू ए म्यू जी, सॉरी वॉट डब्ल्यू म्यू जी. तो ये निकाल दिया, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एंगल आर वन, आर वन कितना 32 डिग्री आ गया. सो वी आर हैविंग फॉर्मूला आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू ए, सो आर टू विल बी इक्वल टू ए माइनस आर वन, 60 विल बी 28 डिग्री. सो वी आर हैविंग आर टू, सो देन अप्लाई स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन एट फेस ए सी, सो लाइट इज गोइंग अगेन फ्रॉम वाटर टू ग्लास, सो साइन आई टू बाई आर टू विल बी इक्वल टू म्यू डब्ल्यू म्यू जी, इसकी वजह से डायरेक्टली पुट कर दी यहाँ पर. तो आई टू कितना आ गया, 33 डिग्री आ गया. नाउ वी आर हैविंग फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू माइनस ए, सो आई वन इज 40 डिग्री एंड आई टू वी हैव सॉल्व इट, दैट इज 33 डिग्री एंड ए क्या है 60 डिग्री, मीन्स 40 प्लस 33, इट इज 73 माइनस 60 इज 13 डिग्री. सो द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द लाइट रे इंसिडेंट एट 40 डिग्री विल बी हाउ मच, 13 डिग्री, कितना आ गया 13 डिग्री आ गया. ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म व्हेन म्यू वी इज इक्वल टू 1.662 एंड म्यू आर इज इक्वल टू 1.644. हमें क्या निकालना है, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म की डिस्पर्सिव पावर निकालनी है. लेट अस फाइंड, गिवन क्या है इसमें, गिवन है म्यू वी, मींस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट इज गिवन टू अस 1.662 एंड रेड लाइट की दे रखी है 1.644. और हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर. ठीक है, एंड फॉर्मूला इज ओमेगा विल बी इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय डेल्टा. ठीक है, तो अब इसमें हमें थीटा नहीं पता, थीटा यहां पर क्या है, एंगुलर, क्या है एंगुलर डिस्पर्जन है, डेल्टा क्या है डेविएशन है, और ये क्या है आपका
डिस्पर्सिव पावर. सो थीटा विल बी गिवन बाय, अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा रख देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए. तो डेल्टा यहां पर सॉरी मीन डेविएशन है, तो ये क्या होगा यहां पर, दिस इज योर मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो म्यू विल बी फाइंड आउट बाय म्यू बी प्लस म्यू आर बाय टू, दैट इज 1.662 प्लस 1.644 बाय टू, दैट इज हाउ मच 3.306 बाय टू, दैट इज 1.653. सो 1.653 इज द म्यू. म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.653. सो 2 × 2 = 5, ठीक है. सो म्यू कितना आ गया, म्यू हमारा आ गया 1.653, ये हमारा आ गया म्यू. सो हेयर म्यू इज दिस, तो मुझे निकालना है ओमेगा, और डेल्टा मेरा यहां से निकल जाएगा, थीटा, थीटा मेरा होता है डेल वी माइनस डेल आर, एंड वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए. सो फॉर वॉयलेट लाइट डेल्टा वी विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू वी माइनस वन इंटू ए, फॉर डेल्टा आर विल बी म्यू आर माइनस वन इंटू ए. सॉल्विंग थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. सो यूजिंग दिस वैल्यू we are finding omega, omega will be equal to theta, theta is mu v minus mu r into a divided by mu minus 1 into a, a will be cancel out, so we are just remaining with mu v minus mu r divided by mu minus 1. So put that, so 1.662 minus 1.644 divided by 1.653 minus 1. So it will be equal to how much? It will be 0.018, and it is 0.653. ठीक है? तो इसको हम करते हैं. तो this is your 0.0018 and it is 0.653. So when you divide it, you are winning with 18/653. So omega कितने में जाएगा, 0.2. So 6 × 3 = 2, 180 को आएगा, 5 पे जाएगा तो कितना जाएगा 50, तो it will be 0.27. So dispersive power will be equal to how much, 0.27. So dispersive power for the flint glass prism will be equal to, will be equal to how much, 0.27. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट
कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिस्पर्जन बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर प्रोड्यूस्ड बाई ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ डिफ्रेक्टिंग एंगल 60 डिग्री. डिफ्रेक्टिंग एंगल हाउ मच? 60 डिग्री. सो लेट अस स्टार्ट. क्या दिया हुआ है हमें? हमें एंगल ए दे दिया है प्रिज्म का. तो हमें प्रिज्म दे दिया गया, उस प्रिज्म का एंगल कितना है? 60 डिग्री है. और हमें क्या निकालना है? हमें एंगल ऑफ डिस्पर्जन निकालना है. तो वो क्या होता है? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. और हमें म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू देख लेते हैं एक बार. इसमें म्यू कितना दिया हुआ है? सो म्यू इज गिवन टू अस 1.663 इज वॉयलेट का, 622 इज फॉर रेड लाइट. सो म्यू बी 1.663 दिया हुआ है और रेड लाइट का कितना दिया हुआ है? 1.622 दिया हुआ है. ठीक है, और क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ प्रिज्म इज हाउ मच? 60 डिग्री. कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है. और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि एंगुलर डिस्पर्जन रेड और वॉयलेट लाइट के बीच में कितना होगा. एंड वी नो दैट एंगुलर डिस्पर्जन के लिए क्या करते हैं? थीटा निकालना है. थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर हमें निकालना है. ठीक है, तो मेरे पास म्यू वी है, म्यू आर है और ए है. तो हम क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्या है हमारा? थीटा है. आई कैन राइट इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. सो म्यू वी की वैल्यू पुट करूंगा, म्यू आर की वैल्यू पुट करूंगा और मैं क्या निकाल दूंगा यहां पर? उत्तर निकाल दूंगा म्यू वी 1.663 इंटू 60 डिग्री कितना आ गया? 0.041 इंटू 6 डिग्री. इट मीन्स 0.246 इट इज थीटा. थीटा कितना आ गया? थीटा मेरा आ गया. सो तो हमने एंगल निकाल लिया 2.460 बिकॉज थीटा विल बी इक्वल टू डेल वी डेल आर. म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए 1.663 माइनस 1.622 60 डिग्री. सो आंसर विल बी 2.460. बट दिस मेथड इज टोटली रॉन्ग. तो गलती क्या करते हैं बच्चे? बच्चे क्या करते हैं? इसी मेथड को फॉलो करते हैं. क्योंकि अगर मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने डेल्टा की वैल्यू क्या पुट की है? म्यू माइनस वन इंटू ए पुट किया है. डेल्टा बी की वैल्यू क्या आएगी? म्यू बी माइनस वन इंटू ए. और डेल्टा आर की कितनी आएगी? म्यू आर माइनस वन इंटू ए. सो बाय सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस एंड पुटिंग वैल्यू दिस वी गेट दिस. बट मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी लेस देन 10 डिग्री हो. लेकिन यहाँ पे क्या है? 60 डिग्री है, इट इज बिगर एंगल. सो वी डोंट डू दिस. सो हाउ टू प्रोसीड? सो हमें क्या दिया हुआ है? तो मुझे पता है कि म्यू, ठीक है, म्यू मेरा क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस डेल बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ ए बाय टू. तो अगर मैं ये वी के लिए वोल्ट के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा. सो म्यू वी कितना है? 1.663 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए इज 60 डिग्री, 60 डिग्री प्लस डेल वी बाय टू डिवाइड बाय साइन ऑफ
60 डिग्री बाय 2, सो 1.663 इनटू ये क्या बनेगा साइन 30 डिग्री, और ये क्या बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल वी बाय 2। सो हमारे पास क्या था, मुझे म्यू का फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाय 2, एंड डेल एम इज मिनिमम डेविएशन, सो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो मिनिमम, ठीक है। तो मुझे डेल वी निकालना है, क्योंकि जब मैं ये निकाल पाऊंगा ये निकाल पाऊंगा तब मैं थीटा निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे म्यू मुझे पता है और डेल वी निकाल लूंगा। सो ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको इससे, यहाँ पर इसको बाय 1 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो साइन 30 इज 1/2, 1.663, सो व्हेन यू डिवाइड इट बाय 2 इट विल बी 0.8315, ठीक है, इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल वी बाई 2। तो ऐसे क्वेश्चन में यही आगे बदल होता है बच्चा, तो यहाँ पे इस चीज को, यहाँ पे ये आया, तो इस चीज को मैं साइन के एंगल की मीन्स ये वैल्यू मेरे साइन के कितने एंगल पे होगा, भी मैं एंगल क्या लूं और उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हो, मीन्स साइन ऑफ विच एंगल दिस वैल्यू विल एग्जिस्ट। तो मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू मेरी होती है √3/2, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.866, ठीक। तो लेट अस सपोज इट विल बी 58 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस डेल वी बाई 2, एंड ऑन कंपेयरिंग बोथ वी आर हैविंग 58 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल वी बाई 2, एंड डेल वी बाई 2 इज इक्वल टू 58 माइनस 30 डिग्री, इट मीन्स 28 इंटू 2 क्या आ गया डेल वी, इट मीन्स डेल वी हाउ मच, डेल वी इज 56 डिग्री। सो डेल वी कितना आ गया, डेल वी हमारा क्या आ गया 56 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे डेल आर, सो म्यू आर इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल आर बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2 म्यू आर, म्यू आर कितना है 1.622 इज इक्वल टू साइन ऑफ ए, ए कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बाय 2 30 डिग्री प्लस डेल आर बाय 2, इट इज ऑल्सो, सो ए इज 60 डिग्री, सो इट इज साइन 30 डिग्री, सो 1.622 इंटू साइन 30 डिग्री इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल आर बाई 2, सो पुट द वैल्यू साइन 30, साइन 30 इज 1/2, सो 1.622 कितना आ गया इट इज 0.811, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल आर बाई 2, तो कितना आ गया 0.811 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल आर बाई 2, सो ये कितना बनेगा 0.811, तो ये क्या बनेगा इट मीन्स 0.811 साइन के कितने एंगल पे वैल्यू होगी, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली साइन ऑफ 52 डिग्री, एंड इट इज साइन 30 डिग्री प्लस डेल आर बाई 2, सो साइन 52 डिग्री इट इज हाउ मच, सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी आर हैविंग 52 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस डेल आर बाई 2, सो डेल आर बाई 2 इज इक्वल टू 52 माइनस 30 डिग्री इट विल बी 22 डिग्री, सो क्या हो जाएगा डेल आर विल बी 44 डिग्री, कितना हो गया डेल आर, डेल आर हमारा कितना हो गया 44 डिग्री, हमारा डेल आर कितना आ गया 44 डिग्री, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर, डेल वी 56 माइनस 44, 6 डिग्री माइनस 44 डिग्री इट इज हाउ मच इट विल बी 12 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 12 डिग्री, इट मीन्स एंगुलर डिस्पर्जन विल बी इक्वल टू हाउ मच 12 डिग्री। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने पहले कैसे निकाला कि हम सिर्फ ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या है
म्यू बी माइनस वन इंटू ए, और ये क्या है म्यू आर ए माइनस वन इंटू ए, एंड बाय सब्ट्रैक्टिंग वी गेट म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। बट ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज व्हेन व्हेनेवर द एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री। बट हेयर यू कैन सी द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, एंड हेयर इज 60 डिग्री, इट इज वेरी बिगर, इट इज टू मच बिगर देन 10 डिग्री। सो फॉर्मूला दिस फॉर्मूला कैनॉट बी यूज, सो वी हैव टू फाइंड द डेल्टा वी एंड डेल्टा आर फॉर म्यू वी एंड म्यू आर। सो वी आर हैविंग फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई टू, सो बाई यूजिंग दैट वी विल गेट डेल वी फ्रॉम हेयर, सिमिलरली डेल आर फ्रॉम हेयर, एंड टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ टू वी विल गेट थीटा, थीटा इज योर एंगुलर डिस्पर्शन दैट इज 12 डिग्री। ओके, सो इन दिस वे वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, सो काइंडली गो थ्रू दिस लेक्चर, इफ सम डाउट इज देयर यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप और आदर यू कैन चैट ऑन द एप। सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू सो मच।